मेरे कारण को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। एक किस्सा बताना चाहता हूँ, आपके पास टाइम तो है ना? पूछ देता हूँ भाई, जनरली नेताओं के पास टाइम नहीं होता, मैं आपको पूछ लेता हूँ। देखिए, मेरी सरकार जब गिर रही थी तो मेरे कैलाश मेघवाल हैं जो स्पीकर थे, गृह मंत्री थे उनके, उन्होंने एक किस्सा बताया मेरे जो मैंने किया जिंदगी के अंदर। जब मैं पीसी प्रेजिडेंट था 90s के अंदर, तो मेरे भैरव शेखावत थे मुख्यमंत्री थे, वो क्वीनलैंड गए थे अमेरिका, अपना तीसरी बार बाईपास करने गए। उस जमाने में हम बचपन में सुनते थे, ह्यूस्टन में जाते थे पहले लोग, ह्यूस्टन से बाद में क्वीनलैंड जाने लग गए। वो गए थे वहाँ पर, पीछे उन्हीं के पार्टी लोग सरकार गिरा रहे थे उनकी। मिस्टर नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, मैं था पीसी प्रेजिडेंट था राजस्थान के अंदर। मेरे पास भी बोलो आए साहब, हम तय किया हमारी पार्टी में रिवोल्ट करके सरकार गिराने का। तो मैंने कहा भाई, एक आपका नेता बीमारी है सीरियस से, मैंने सुना वहाँ पर, थर्ड टाइम गए हैं, और आप पीछे ये जो कर रहे हरकत, मैं उचित नहीं मानता। मैंने पीएम नरसिम्हा जी को जाके कहा, क्योंकि मैं उनका केंद्रीय मंत्री रह चुका था, टेक्सटाइल मिनिस्टर था मैं, तो मैंने कहा कि भाई मैं ये सुना, उनको मालूम पड़ गया था, उन्होंने मुझे पूछा, मैं कहा ये उचित नहीं कर सकता, उनको मैंने रोका। और बलिराम भगत थे हमारे गवर्नर, उनको मैंने कहा कि ये सुन रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक तो वो था जो गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको कह रहा। कैलाश मेघवाल को ये बात की जानकारी थी, वो नंबर वन थे शेखावत साहब के। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकारें टॉपर करने की, इतने उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोअर MLA थे वो भी लॉबिंग मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं, उन्होंने उनके मुंह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी, मैंने गलती से उसको कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। लेकिन मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावना ये थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाने में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं आपकी, गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज बनती नहीं है, और मैं भुगत भी रहा हूँ उस फ्लेवर से। अभी मैंने कह दिया कि जुडिशियल करप्शन है राजस्थान में, मैंने कह दिया। मेरे खिलाफ में एक भाई चले गए कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट कोर्ट लगाने के लिए, तो मैंने जवाब दिया भाई 9 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, 9, 2 CJI, उनके मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, वो सब कह रहे हैं जुडिशियल बहुत करप्शन है। तो ये मेरी भावना नहीं है, मैंने जो पढ़ा, जो पर्सन बना, मैंने उसको कोट किया है। तो मैंने मेरा रिप्लाई दिया है कि भाई मेरी भावना नहीं, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस तक कह रहे हैं, सिटिंग जजेस तक ने कह दिया, CJI कह रहे हैं, तो मैंने वो मेरी भावना नहीं थी, मैंने पकड़ की है। फिर भी अगर कोर्ट को लगे जुडिशी को सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, और मेरा कमिटमेंट है कि जुडिशी मजबूत होगी देश में डेमोक्रेसी बचेगा, जब मैं ये बात कहता हूँ, तो मैंने कहा फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने इसमें कंडम किया है तो मैं अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगता हूँ, मैंने लिख के दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्लेवर लग गया। मैंने कहा, मैंने सुना है कि एडवोकेट फैसले लिखते हैं वही फैसला आता है, अखबार ने लिख दिया, वकील लोग फैसले लेके लिख के ले आते हैं और हाईकोर्ट जज फैसले देते हैं, फ्लेवर लग गया। उस पर उनको मौका मिल गया एक व्यक्ति को जाने का, इसको मैंने फ्लेवर कहता हूँ मैं, ठीक है।